कहानी है, बहुत ट्विस्ट है। फिर उसके बाद अच्छा बोला आईफोन है ना, आईफोन को मैं फोटो देता नहीं, डॉक्टर ने ना बोले इनका गरीबी फील होती है। वीडियो ले तो ओके शुरू करते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अवधेश दुबे ट्रेन वेंडर, जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ऐसे ही बनाए रहना। दोस्तों उस वीडियो के बाद मुझे जेल हुआ था और जेल जाने का कारण कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। कॉमेडी यार दिल पे मत लेना। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं। भैया हमको उठवाए चार दिन में, पांचवे दिन हम जज के पास लेके गए तो जज साहब क्या पूछते पता है, दुबे जी आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा प्रभु कहीं मिलता है तो दिलाई, तो 15 साल से तो घूम रहे कौनो ने दिलाए, आप ही दिला दो। बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा सर आना फ्री है जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना भी फ्री है, इसके लिए चले जाते हैं। हमको तो गर्व है यार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो काम किया वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। और मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ, लेकिन आप सबका नजरिया है जो आप मोदी भक्त समझते हो, और आज का दौर ही ऐसा है, मोदी भक्त मत बनो देशभक्त बनो, लोग आपको खुद ही मोदी भक्त कहने लगेंगे। तो मेरे भाई पब्लिक का सपोर्ट मिला, न्यूज वालों ने दिखाया और मोदी जी तक बात जब गई तो 2 दिन में हमारे चौकीदार साहब ने, अरे वो दहेज का तो नहीं है ना, अरे मेहनत का है, मेहनत का नहीं टूटता है, दहेज वाला टूट जाता है। 2 दिन में चौकीदार साहब ने हमें निकलवाया। और प्रभु जब जेल से बाहर आया तब मीडिया वाले फिर से वही पूछ रहे, दुबे जी जेल में कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा है, कभी टाइम मिले तो आप भी जाके आओ। बोले ऐसा क्यों? हमने बोला बड़ी सुविधा है, सुबह 6 बजे चाय और चना जेल में मिलता है भाई, घर पे बीबी को देखो 8 बजे से पहले तो सो के ही नहीं उठते, जेल ही बढ़िया था ना यार। और एक फैसिलिटी और है, अगर खाना खाने के लिए मना किए जेल में तो पुलिस वाले अंकल मार मार के खिलाते, माँ का प्यार भी अंदर ही मिल जाता था। इसीलिए बाबा लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं, और हम है कि रेल संभालते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक चाय वाला है सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहा है गाय वाला। गाय वाले का डिसीजन ही है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, गाड़ी पलटी करवाते हैं भैया। और मेरे भाई देशभक्ति पे एक शायरी कहूंगा कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, ये पाकिस्तान के लिए हाँ, कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, और भूगोल तो छोड़ो इतिहास बदल देंगे। जिस दिन रोक दिए सिंध का पानी तो त्राही त्राही मच जाएगा, कराची में गूंजेगा वंदे मातरम और लाहौर जय हिंद चिल्लाए। वाह वाह क्या मुजरा है, कॉमेडी है, वाह वाह कर रहे हो, मुजरा नहीं है। मेरे भाई अटल जी सीधे थे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालते थे, लेकिन मोदी जी नीचे से डब्बा ही गर्म कर देते, उंगली करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को सुबह सुबह कल एक आदमी मिले ऐसे सोए थे विष्णु भगवान जैसे, फिर मेरे को बोले दुबे जी आप मोदी जी का इतना तारीफ करते हो क्या, आपको 15 लाख मिल गए क्या? भाई साहब पब्लिक बहुत हंसी, मैं बोला अच्छी बात है सर, मुझे 15 लाख तो नहीं मिले हैं लेकिन 60 लाख जरूर मिल गए हैं। घबरा दे उनको लगा मोदी भक्त दे दिए होंगे। हम बोला सर किस्त में गिनती कर लो, पहला 15 लाख उस दिन मेरे खाते में आया था जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हट गई थी, दूसरा उस दिन आया था जिस दिन मुसलमान महिलाओं को सम्मान दिया गया और 3 तलाक हटा दिया गया, तीसरा राम मंदिर का शिलान्यास, और चौथा तो परसों ही आया बनारस से। आपका लगता है आधार कार्ड से लिंक नहीं, इसके लिए आप में नहीं आता, जाके करा लेना क्योंकि बहुत सारे 15 लाख आने बाकी है। मोदी जी ने 2 उंगली उठाया और 2 ही ऑप्शन रखा पब्लिक के आगे, दोस्तों मोदी जी की चाय पीनी है या योगी जी का काढ़ा पीना है, 2 ही ऑप्शन है आप लोग के पास। बस 1.5 GB में इतना ही मिलता था, मैंने बोल दिया,